मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करते करते 3 वर्ष पूरे हो गए। आज ये 36वां एपिसोड है। मन की बात एक प्रकार से भारत की जो सकारात्मक शक्ति है, देश के कोने कोने में जो भावनाएं भरी पड़ी हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कहीं कहीं शिकायत भी है, एक जन मन में जो भाव उमड़ते रहते हैं, मन की बात ने उन सब भावों से मुझे जोड़ने का एक बड़ा अद्भुत अवसर दिया। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मन की बात, ये मन की बात देशवासियों के मन से जुड़ी है, उनके भाव से जुड़ी है, उनकी आशा अपेक्षाओं से जुड़ी हुई है। और जब मन की बात में बातें मैं बताता हूँ तो उसे देश के हर कोने से जो लोग मुझे अपनी बातें भेजते हैं, आपको तो शायद मैं बहुत कम कह पाता हूँ, लेकिन मुझे तो भरपूर खजाना मिल जाता है, चाहे ईमेल पर हो, टेलीफोन पर हो, MyGov पर हो, नरेंद्र मोदी ऐप पर हो, इतनी बातें मेरे तक पहुंचती हैं, अधिकतम तो मुझे प्रेरणा देने वाली होती हैं, बहुत सारी सरकार में सुधार के लिए होती हैं, कहीं व्यक्तिगत शिकायत भी होती है तो कहीं सामूहिक समस्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और मैं तो महीने में एक बार आधा घंटा आपका लेता हूँ, लेकिन लोग 300 दिन मन की बात के ऊपर अपनी बातें पहुँचाते हैं। और उसका परिणाम ये आया है कि सरकार में भी संवेदनशीलता, समाज के दूर सुदूर कैसी कैसी शक्तियां पड़ी हैं उस पर उसका ध्यान जाना, ये सहज अनुभव आ रहा है। और इसलिए मन की बात की 3 साल की ये यात्रा देशवासियों की भावनाओं की अनुभूति की एक यात्रा है। और शायद इतने कम समय में देश के सामान्य मानवी के भावों को जानने समझने का जो मुझे अवसर मिला है, और इसके लिए मैं देशवासियों का बहुत आभारी हूँ। मन की बात में मैंने हमेशा आचार्य विनोबा भावे की उस बात को याद रखा है। आचार्य विनोबा भावे हमेशा कहते थे, असरकारी असरकारी। मैंने भी मन की बात को इस देश के जन को केंद्र में रखने का प्रयास किया है, राजनीति के रंग से उसको दूर रखा है। तत्कालीन जो गर्मी होती है, आक्रोश होता है, उसमें भी बह जाने के बजाय एक स्थिर मन से आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास किया है। मैं जरूर मानता हूँ अब 3 साल के बाद सोशल साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया एक्सपर्ट्स जरूर उसका एनालिसिस करेंगे, प्लस माइनस हर चीज को उजागर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये विचार विमर्श भविष्य की मन की बात के लिए भी अधिक उपयोगी होगा, उसमें एक नई चेतना, नई ऊर्जा मिलेगी। और मैंने जब एक बार मन की बात में कही थी कि हमें भोजन करते समय चिंता करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, हम उसको बर्बाद न करें, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि देश के हर कोने से मुझे इतनी चिट्ठियाँ आई, अनेक सामाजिक संगठन, अनेक नवयुवक पहले से ही इस काम को कर रहे हैं। जो अन्न थाली में छोड़ दिया जाता है उसको इकट्ठा करके उसका सदुपयोग कैसे हो, इस पर काम करने वाले इतने लोग मेरे ध्यान में आए, मेरे मन को इतना बड़ा संतोष हुआ, इतना आनंद हुआ। एक बार मैंने मन की बात में महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड टीचर श्रीमान चंद्रकांत कुलकर्णी की बात कही थी, जो अपने पेंशन में से 16,000 रुपये का पेंशन मिलता था, उसमें से 5,000 रुपया वो 51 पोस्ट डेटेड चेक दे करके स्वच्छता के लिए उन्होंने दान दे दिया था। और उसके बाद तो मैंने देखा कि स्वच्छता के लिए इस प्रकार के काम करने के लिए कितने लोग आगे आए। एक बार मैंने हरियाणा के एक सरपंच की सेल्फी विद डॉटर को देखा और मैंने मन की बात में सबके सामने रखा, देखते ही देखते न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में सेल्फी विद डॉटर
एक बड़ा अभियान चल पड़ा। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है, हर बेटी को एक नया आत्मविश्वास, नया गर्व पैदा करने वाली यह घटना बन गई। हर माँ बाप को लगने लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ सेल्फी लूँ, हर बेटी को लगने लगा कि मेरा कोई महात्मा है, मेरा कोई महत्व है। पिछले दिनों मैं भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठा था, मैंने जब टूर पर जाने वाले लोगों से कहा था कि आप इनक्रेडिबल इंडिया पर जहाँ भी जाए वहाँ की फ़ोटो भेजिए, लाखों तस्वीरें भारत के हर कोने की, एक प्रकार से टूरिज्म क्षेत्र में काम करने वालों के एक बहुत बड़ी अमानत बन गई। छोटी सी घटना कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती है, ये मन की बात में मैंने अनुभव किया है। आज मन कर गया, क्योंकि जब सोच रहा था 3 साल हो गए, तो पिछले 3 साल की कई घटनाएं मेरे मन मंदिर में छा गई। देश सही दिशा में जाने के लिए हर पल अग्रसर है। देश का हर नागरिक दूसरे की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, देश की प्रगति के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। ये मेरे 3 साल के मन की बात के अभियान में मैंने देशवासियों से जाना है, समझा है, सीखा है। किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं हृदय से देशवासियों को नमन करता हूँ। मैंने एक बार मन की बात में खादी के विषय में चर्चा की थी, और खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है, और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भांति भांति के फैब्रिक होते हैं, तो एक खादी क्यों ना हो, घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है, और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। 2 अक्टूबर से खादी में डिस्काउंट दिया जाता है, काफ़ी छूट रियायत मिलती है। मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा, खादी का जो अभियान चला है उसको हम और आगे चलाएं और बढ़ाएं। खादी खरीद करके गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएं, इस भाव को लेकर के हम काम करें। हमारे देश के गरीब को इस कार्य से एक ताकत मिलेगी, और हमें करना चाहिए। और इस खादी के प्रति रुचि बढ़ने के कारण खादी क्षेत्र में काम करने वालों में, भारत सरकार में खादी से संबंधित लोगों में एक नए तरीके से सोचने का उत्साह भी बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएं, सोलार हथकरघे कैसे ले आएं, पुरानी जो विरासत थी, जो बिल्कुल ही 20-25-25-30-30 साल से बंद पड़ी थी, उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सेवापुरी में अब सेवापुरी का खादी आश्रम 26 साल से बंद पड़ा था, लेकिन आज पुनर्जीवित हो गया। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों को जोड़ा गया, अनेक लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा किए। कश्मीर में पंपोर में खादी एवं ग्राम उद्योग ने बंद पड़े अपने प्रशिक्षण केंद्र को फिर से शुरू किया, और कश्मीर के पास तो इस क्षेत्र में देने के लिए बहुत कुछ है। अब ये प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू होने के कारण नई पीढ़ी को आधुनिक रूप से निर्माण कार्य करने में, बुनने में, नई चीज़ें बनाने में एक मदद मिलेगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस भी दिवाली में जब गिफ्ट देते हैं, तो इन दिनों खादी की चीज़ें देना शुरू किए हैं। लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में खादी की चीज़ें देना शुरू किए हैं। एक सहज रूप से चीज़ कैसे आगे बढ़ती है, यह हम सब अनुभव करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले महीने मन की बात में ही हम सब ने एक संकल्प किया था, और हमने तय किया था कि गांधी जयंती से पहले 15 दिन देश भर में स्वच्छता का उत्सव मनाएंगे, स्वच्छता से जन मन को जोड़ेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्य का आरंभ किया और देश जुड़ गया। अबाल वृद्ध, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर हो, गांव हो, हर कोई आज इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन गया है। और जब मैं कहता हूँ संकल्प से सिद्धि, ये स्वच्छता अभियान
एक संकल्प सिद्धि की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर कोई इसको स्वीकारता है, सहयोग करता है और साकार करने के लिए कोई न कोई योगदान देता है। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का तो आभार मानता हूँ, लेकिन साथ साथ देश के हर वर्ग ने इसको अपना काम माना है। हर कोई इसके साथ जुड़ गया है, चाहे खेल जगत के लोग हो, सीने जगत के लोग हो, एकेडमिशियंस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसान हो, मजदूर हो, अफसर हो, बाबू हो, पुलिस हो, फौज के जवान हो, हर कोई इसके साथ जुड़ गया है। सार्वजनिक स्थानों पर एक दबाव भी पैदा हुआ है कि अब सार्वजनिक स्थान गंदे हों तो लोग टोकते हैं, वहाँ काम करने वालों को भी एक दबाव महसूस होने लगा है। मैं इसे अच्छा मानता हूँ और मेरे लिए खुशी है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के सिर्फ पहले 4 दिन में ही करीब करीब 75 लाख से ज़्यादा लोग, 40,000 से ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर के गतिविधियाँ में जुड़ गए। और कुछ तो लोग मैंने देखा है कि लगातार काम कर रहे हैं, परिणाम लाकर के रहने का फैसला लेकर के काम कर रहे हैं। इस बार एक और भी चीज़ देखी, एक तो होता है कि हम कहीं स्वच्छता करें, दूसरा होता है हम जागरूक रह करके गंदगी न करें, लेकिन स्वच्छता को अगर स्वभाव बनाना है तो एक वैचारिक आंदोलन भी जरूरी होता है। इस बार स्वच्छता ही सेवा के साथ कई प्रतियोगिताएं हुई, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने स्वच्छता के निबंध स्पर्धा में भाग लिया, हजारों बच्चों ने पेंटिंग्स बनाए, अपनी अपनी कल्पना से स्वच्छता को लेकर के चित्र बनाए, बहुत से लोगों ने कविताएं बनाई। और इन दिनों तो मैं सोशल मीडिया पर ऐसे जो हमारे नन्हे साथियों ने, छोटे छोटे बालकों ने चित्र भेजे हैं, वो मैं पोस्ट भी करता हूँ, उनका गौरवगान करता हूँ। जहाँ तक स्वच्छता की बात आती है तो मैं मीडिया के लोगों का आभार मानना कभी भूलता नहीं हूँ। इस आंदोलन को उन्होंने बहुत पवित्रतापूर्वक आगे बढ़ाया है, अपने अपने तरीके से वे जुड़ गए हैं और एक सकारात्मक वातावरण बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज भी वो अपने अपने तरीके से स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे देश का प्रिंट मीडिया देश की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है, ये स्वच्छता ही सेवा आंदोलन में हम देख पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ध्यान आकर्षित किया, श्रीनगर के 18 साल के नौजवान बिलाल डार के संबंध में। और आपको जानकर के खुशी होगी कि श्रीनगर नगर निगम ने बिलाल डार को स्वच्छता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो आपको लगता होगा कि शायद वो सिने कलाकार होगा, शायद वो खेल जगत का हीरो होगा। जी नहीं, बिलाल डार स्वयं 12-13 साल की अपनी उम्र से, पिछले 5-6 साल से स्वच्छता में लग गया है। एशिया के सबसे बड़ा झील श्रीनगर के पास, वहाँ प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, यूज बॉटल हो, कूड़ा कचरा हो, बस वो साफ करता रहता है, उसमें से कुछ कमाई भी कर लेता है, क्योंकि उसके पिताजी की बहुत छोटी आयु में कैंसर में मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अपना जीवन आजीविका के साथ साथ स्वच्छता के साथ जोड़ दिया। एक अनुमान है कि बिलाल ने सालाना 12,000 किलो से ज़्यादा कूड़ा कचरा साफ किया है। श्रीनगर नगर निगम को भी मैं बधाई देता हूँ कि स्वच्छता के प्रति इस पहल के लिए और एम्बेसडर के लिए उनकी इस कल्पना के लिए, क्योंकि श्रीनगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक श्रीनगर जाने का मन करता है उसका, और वहाँ सफाई को इतना बल मिले ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बिलाल को सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ऐसा नहीं, सफाई करने वाला बिलाल उसको निगम ने इस बार गाड़ी दी है, यूनिफॉर्म दिया है, और वो अन्य इलाकों में भी जा करके लोगों को स्वच्छता के लिए शिक्षित करता है, प्रेरित करता है और परिणाम लाने तक पीछे लगा रहता है। बिलाल डार आयु छोटी है, लेकिन स्वच्छता में रुचि रखने वाले हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं बिलाल डार को बहुत बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि भावी इतिहास इतिहास की कोख में जन्म लेता है।
और जब इतिहास की बात आती है तो महापुरुष याद आना बहुत स्वाभाविक है। ये अक्टूबर महीना हमारे इतने सारे महापुरुषों को स्मरण करने का महीना है। महात्मा गांधी से लेकर के सरदार पटेल तक, इसी अक्टूबर में इतने महापुरुष हमारे सामने हैं कि जिन्होंने 20वीं सदी और 21वीं सदी के लिए हम लोगों को दिशा दी, हमारा नेतृत्व किया, हमारा मार्गदर्शन किया और देश के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है तो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जन्म जयंती है और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है। नानाजी और दीनदयाल जी की तो ये शताब्दी का भी वर्ष है। और इन सभी महापुरुषों का एक केंद्र बिंदु क्या था? एक बात कॉमन थी और वो देश के लिए जीना, देश के लिए कुछ करना। और मात्र उपदेश नहीं, अपने जीवन के द्वारा करके दिखाना। गांधी जी, जयप्रकाश जी, दीनदयाल जी, ये ऐसे महापुरुष हैं जो सत्ता के गलियारों से कोसों दूर रहे लेकिन जनजीवन के साथ पल पल जीते रहे, जूझते रहे और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कुछ न कुछ करते रहे। नानाजी देशमुख राजनीतिक जीवन को छोड़ करके ग्रामोदय में लग गए थे और जब आज उनका शताब्दी वर्ष मनाते हैं तो उनके ग्रामोदय के काम के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल कलाम जी जब नौजवानों से बात करते थे तो हमेशा नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास की बातें किया करते थे, बड़े आदर से उल्लेख करते थे और वो स्वयं भी नानाजी के इस काम को देखने के लिए गाँव में गए थे। दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महात्मा गांधी समाज के आखिरी छोर में बैठे हुए इंसान की बात करते थे, दीनदयाल जी भी समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की ही और उसके जीवन में बदलाव लाने की, शिक्षा के द्वारा, रोजगार के द्वारा किस प्रकार से बदलाव लाया जाए इसकी चर्चा करते थे। इन सभी महापुरुषों को स्मरण करना ये उनके प्रति उपकार नहीं है, इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए करते हैं कि हमें आगे का रास्ता मिलता रहे, आगे की दिशा मिलती रहे। अगले मन की बात में मैं जरूर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में कहूंगा लेकिन 31 अक्टूबर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश के हर शहर में, हर नगर में बहुत बड़ी मात्रा में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होने चाहिए। और मौसम भी ऐसा है कि दौड़ने का मजा आता है। सरदार साहब जैसे लोह शक्ति पाने के लिए ये भी तो जरूरी है और सरदार साहब ने देश को एक किया था, हमने भी एकता के लिए दौड़ करके एकता के मंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग बहुत स्वाभाविक रूप से कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता, विविधता का हम गौरव करते हैं लेकिन क्या कभी आपने इस विविधता को अनुभव करने का प्रयास किया है क्या? मैं बार बार हिंदुस्तान के मेरे देशवासियों से कहना चाहूंगा और खास करके मेरी युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि हम एक जागृत अवस्था में इस भारत की विविधताओं का अनुभव करें, उसको स्पर्श करें, उसकी महक को अनुभव करें। आप देखिए आपके भीतर के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हमारे देश की ये विविधताएं एक बहुत बड़ी पाठशाला का काम करती है। वैकेशन है, दिवाली के दिन है, हमारे देश में चारों तरफ कहीं न कहीं जाने का स्वभाव बना हुआ है, लोग जाते हैं टूरिस्ट के नाते और बहुत स्वाभाविक है लेकिन कभी कभी चिंता होती है कि हम अपने देश को तो देखते नहीं हैं, देश की विविधताओं को जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन चकाचौंध के प्रभाव में आकर के विदेशों में ही टूर करना पसंद करना शुरू किए हैं। आप दुनिया में जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है लेकिन कभी अपने घर को भी तो देखें। उत्तर भारत के व्यक्ति को पता नहीं होगा कि दक्षिण भारत में क्या है, पश्चिम भारत के व्यक्ति को पता नहीं होगा कि पूर्व भारत में क्या है, हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी,
अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया, अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनके मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ मुलाकाती नहीं, हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पाना, समझना, बनने का प्रयास करें। मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे हिंदुस्तान के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला होगा। 450 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहां मुझे रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभालता हूं तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है, चीजों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं, हमारी अपार शक्ति का ये भंडार है, इसको अनुभव कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है। खान पान की कितनी वैरायटीज है, तो पूरे जीवन भर हर दिन एक एक नई वैरायटी कर खाते रहे तो भी कहे रिपीटेशन नहीं होगा। अब ये हमारे टूरिज्म की एक बड़ी ताकत है। मैं आग्रह करूंगा कि इस छुट्टियों में आप सिर्फ घर के बाहर जाएं ऐसा नहीं, चेंज के लिए निकल पड़े ऐसा नहीं, कुछ जानने, समझने, पाने के इरादे से निकलिए। भारत को अपने भीतर आत्मसात कीजिए, कोटि कोटि जनों की विविधताओं को भीतर आत्मसात कीजिए। इन अनुभवों से आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, आपकी सोच का दायरा विशाल हो जाएगा। और अनुभव से बड़ा शिक्षक कौन होता है? सामान्य तौर पर अक्टूबर से मार्च तक का समय ज्यादातर पर्यटन का रहता है, लोग जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी अगर आप जाएंगे तो मेरे उस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। आप जहां भी जाए अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, तस्वीरों को शेयर कीजिए, #IncredibleIndia इस पर आप फोटो जरूर भेजिए। वहां के लोगों से मिलना हो जाए तो उनकी भी तस्वीर भेजिए, सिर्फ इमारतों की नहीं, सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, वहां के जनजीवन की कुछ बातें लिखिए, आपकी यात्रा के अच्छे निबंध लिखिए, MyGov पर भेजिए, नरेंद्र मोदी ऐप पर भेजिए। मेरे मन में एक विचार आता है कि हम भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या आप अपने राज्य के 7 उत्तम से उत्तम टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं? हर हिंदुस्तानी को आपके राज्य के उन 7 चीजों के विषय में जानना चाहिए, हो सके तो उन 7 स्थानों पर जाना चाहिए। आप उसके विषय में कोई जानकारी दे सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी ऐप पर उसको रख सकते हैं क्या? #IncredibleIndia पर रख सकते हैं क्या? आप देखिए, एक राज्य के सब लोग ऐसा बताएंगे तो मैं सरकार में कहूंगा कि वो उसको स्क्रूटिनी करें और कॉमन कौन सी 7 चीजें हर राज्य से आई हैं उस पर वो प्रचार साहित्य तैयार करें। यानी एक प्रकार से जनता के अभिप्रायों से टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बढ़ावा कैसे हो, उसी प्रकार से आपने जो चीजें देखी है देश भर में उसमें से 7 आपको जो अच्छे से अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि किसी ने उसको देखनी चाहिए, जाना चाहिए, उसके विषय में जानकारी पानी चाहिए, तो आपकी पसंद की 7 ऐसे स्थान का भी MyGov पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर जरूर भेजिए। भारत सरकार उस पर काम करेगी। ऐसे उत्तम डेस्टिनेशन होंगे, उसके लिए फिल्म बनाना, वीडियो बनाना, प्रचार साहित्य तैयार करना, उसको बढ़ावा देना, आपके द्वारा चुनी हुई चीजों को सरकार स्वीकार करेगी। आइए मेरे साथ जुड़िए, इस अक्टूबर का और से मार्च महीने तक का समय का उपयोग देश के टूरिज्म को बढ़ाने में आप भी एक बहुत बड़े कैटलिक एजेंट बन सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों,
एक इंसान के नाते बहुत सी चीज़ें मुझे भी छू जाती हैं, मेरे दिल को आंदोलित कर जाती हैं, मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। आखिर मैं भी तो आप ही की तरह के इंसान हूँ। पिछले दिनों एक घटना है, शायद आपके भी ध्यान में आई होगी, महिला शक्ति और देशभक्ति की अनूठी मिसाल हमने देशवासियों ने देखी है। इंडियन आर्मी को लेफ्टिनेंट स्वाति और निधि के रूप में दो वीरांगनाएं मिली हैं, और वे असामान्य वीरांगनाएं हैं। असामान्य इसलिए हैं कि स्वाति और निधि माँ भारती की सेवा करते करते उनके पति शहीद हो गए थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी आयु में जरा सब संसार उजड़ जाए तब मनस्थिति कैसी होगी। लेकिन शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक इस कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उसने मन में ठान ली और वे भारत की सेना में भर्ती हो गई। 11 महीने तक उसने कड़ी मेहनत करके प्रशिक्षण हासिल किया। अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी झोंक दी। उसी प्रकार से निधि दुबे, उनके पति मुकेश दुबे सेना में नायक का काम करते थे और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, तो उनकी पत्नी निधि ने मन में ठान ली और वह भी सेना में भर्ती हो गई। हर देशवासी को हमारी इस मातृशक्ति पे, हमारी इन वीरांगनाओं के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। मैं इन दोनों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने देश के कोटि कोटि जनों के लिए एक नई प्रेरणा, एक नई चेतना जगाई है। उन दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्र का उत्सव और दिवाली के बीच हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप हमारे यहाँ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि चारों तरफ फुटबॉल की गूंज सुनाई देगी, हर पीढ़ी को फुटबॉल में रुचि बढ़ेगी। हिंदुस्तान के कोई स्कूल कॉलेज का मैदान ऐसा न हो कि जहाँ पर हमारे नौजवान खेलते हुए नजर न आए। आइए, पूरा विश्व जब भारत की धरती पर खेलने के लिए आ रहा है, हम भी खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की पूजा का अवसर है। पूरा माहौल पावन पवित्र सुगंध से व्याप्त है। चारों तरफ एक आध्यात्मिकता का वातावरण, उत्सव का वातावरण, भक्ति का वातावरण, और ये सब कुछ शक्ति की साधना का पर्व माना जाता है। ये शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और यहीं से शरद ऋतु का आरंभ होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि देश के सामान्य मानवीय के जीवन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, हर चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देश को आए, देश तेज गति से आगे बढ़े। और 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल, आज़ादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने का प्रयास, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प, अथाग मेहनत, अथाग पुरुषार्थ, और संकल्प को साकार करने के लिए 5 साल का रोड मैप बनाकर के हम चल पड़े और माँ शक्ति हमें आशीर्वाद दे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्सव भी मनाएं, उत्साह भी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री